सो हे फ्री फायर गेमर्स, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़े ही रहे ना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे अपने बी आर रैंक मैच के अंदर आसानी से बॉट या नूब लॉबी ला सकती हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग का रैंक चाहे कितना भी क्यों ना हो, जैसे कि प्लेटिना हो गया, डायमंड, हीरोइक मास्टर या ग्रैंड मास्टर क्यों ना हो, आप लोग भी आसानी से अपने हर बी आर रैंक मैच के अंदर बॉट या नूब लॉबी ला पाओगे। और इसके बाद यार उनको मारकर आप लोग आसानी से मैच को बुया कर सकती हो एंड आप लोग रैंक मैच को बुया करोगे तो आप लोग जो भी रैंक है वो प्लस भी होगा। और इस तरह से आप लोग यार हर बी आर रैंक मैच भी कर पाओगे, जिसके वजह से आप लोगों का एक भी रैंक मैच माइनस बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ प्लस होते ही जाएगा, जिसके वजह से आप लोग बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा रैंक कुछ कर पाओगे। जिसका लाइव प्रूफ तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को दिखा देता हूं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो भाई, मैं आप सभी लोगों के सामने सोलो रैंक मैच स्टार्ट कर रहा हूं और उसके बाद हम लोग जो भी मैच मिलेंगे वो भी होना शुरू हो चुका है और कुछ ही टाइमों के बाद भी हम लोग टाइमिंग लॉबी के अंदर भी आ जाएंगे। तो टाइमिंग लॉबी के अंदर जाने के बाद यहां पर आप लोग देख सकते हो भाई, इस लॉबी में आप लोगों को जितना भी प्लेयर देखने को मिल रहे उनमें से ऐसे नॉर्मली बॉर्ड या नूबी प्लेयर है। आपको यार 70-80% तो ऐसे नॉर्मली बॉर्ड या नूबी प्लेयर देखने को मिलने वाले हैं एंड हो सकते हैं एक दो अच्छे प्लेयर भी आए होंगे, लेकिन आप लोगों को ज्यादातर मैच के अंदर ऐसे नॉर्मली बॉर्ड या नूबी प्लेयर देखने को मिलेंगे, जिनको भाई मैं आसानी से मारकर मैं मैच को बुया करके रैंक पुश कर सकता हूं। तो अब आप लोग सोच रहे हो भाई मैंने कौन सा ट्रिक यूज किया जिस ट्रिक की मदद से भाई मेरे बी आर रैंक मैच के अंदर बॉर्ड या नूबी प्लेयर आ रहे हैं। तो यार इसी को ही मैं आज आप सभी लोगों को आगे बताने वाला हूं, जिस ट्रिक की मदद से आप लोग भी यार 100% अपने एवरी सीएस रैंक मैच के अंदर आसानी से बॉट या नूब लॉबी ला पाओगे। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करते ही रहिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो क्या करो मेरे भाई लोग। अगर आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छी लगे कि आप पसंद आता है तो इसमें प्लीज मेरे भाई लोग आप लोग ये वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। और चैनल में नए हो गए तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे और आगे भी फ्री रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। तो चलो अब इस बारे तो होते ही रहेगा, आज की तरफ पढ़ते हैं। सो गाइस बात करें कि ऐसा कौन सा ट्रिक है जिस ट्रिक की मदद से आप लोग आसानी से अपने बी आर रैंक मैच के अंदर बॉट या नूब लॉबी ला सकती हो। तो यार इसके लिए अभी के टाइम में आपको सबसे बेस्ट ट्रिक देखने को मिल जाता है गाइस, वो है पीसी प्लेयर। तो अगर आप लोग के पास भाई कोई भी सा एमुलेटर प्लेयर होगा तो बहुत ज्यादा कमाल की बात है एंड अगर आप लोग के पास नहीं होगा तो भाई ऐसे में यार आप लोग कहीं पर से भी जुगाड़ वगैरह करके पीसी प्लेयर बुला लो। एंड अगर आप लोगों को पीसी प्लेयर नहीं मिल रहा होगा तो यार ऐसे में आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लो। बहुत सारे सोचते हैं भाई पीसी प्लेयर मतलब कि वो कंप्यूटर में ही गेम खेलना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल लैपटॉप भी चलेगा। एंड अभी के टाइम में तो भाई ऐसा हो रहा है कि 10 घरों में से 4 से 5 घरों में तो नॉर्मल लैपटॉप आपको मिल ही जाएगा। तो ऐसे में भाई आप लोग भी कहीं पर से भी आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह में जुगाड़ करके आप लोग एक नॉर्मल लैपटॉप ढूंढ लो और उसके बाद भाई उसमें आप लोग यार फ्री फायर गेम डाउनलोड करने के बाद उसमें आप लोग को भी से एक न्यू गेस्ट अकाउंट क्रिएट कर लेना और उसके बाद भाई ये जो भी ट्रिक है उसको आप लोग आसानी से यूज कर सकती हो। और उसके बाद आप लोग यार जब भी पीसी प्लेयर के साथ खेलोगे कोई भी समय चाहे वो डुओ हो या स्क्वाड, आप लोगों के बेंच पे भाई आप लोगों को 100% बॉट या नूबी प्लेयर देखने को मिलने वाले हैं। आपको ज्यादातर बॉर्ड या नूबी प्लेयर देखने को मिलते हैं एंड हो सकते हैं एक दो अच्छे प्लेयर भी आए होंगे। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर यार आप लोग गेम खेलोगे तो भाई आप लोग यार उस मैच को आसानी से बुया करके आप लोग बहुत ज्यादा रैंक पुश कर सकती हो। एंड इसी ट्रिक को यूज करके भाई अभी के टाइम में बहुत सारे लोग अपने हर बी आर रैंक मैच में बॉर्ड या नूब लॉबी लाकर यार उनको मारकर आसानी से मैच को बुया करके भाई बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा रैंक पुश कर रहे हैं। तो चाहो तो आप लोग भी ऐसा कर सकती हो। एंड अगर आपको यार ये ट्रिक को यूज करना नहीं होगा किसी भी रीजन की वजह से तो यार इसके अलावा एक और ट्रिक है, वैसे तो ये अभी तक का सबसे बेस्ट ट्रिक है, लेकिन अगर आप लोग ये ट्रिक को यूज करना नहीं चाहते तो अगर आप लोग भाई रात के 2 से 3 बजे से लेकर अगर आप लोग सुबह के 5 से 6 बजे के बीच में आप लोग जब भी सोलो रैंक मैच खेलोगे तो भाई आप लोग के रैंक मैच में आप लोग को ज्यादा ऐसे नॉर्मली बॉट एंड नूबी प्लेयर देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि यार इस टाइम पर बहुत ही कम ही लोग गेम खेलते हैं एंड गेम खेलते भी होंगे तो ज्यादातर डुओ या स्क्वाड, लेकिन अगर आप लोग यार सोलो रैंक मैच खेलोगे तो भाई आप लोगों के ज्यादातर मैच में आप लोगों को ऐसे नॉर्मली बॉट या नूबी प्लेयर देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन यार इस टाइम पर भाई गेम खेलना उतना ठीक नहीं होता, लेकिन अगर आप लोग गेम खेलना ही चाहते हो तो यार वो आपकी मर्जी, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एंड अभी के टाइम में तो भाई बस यही दो ऐसा ट्रिक है जिस ट्रिक की मदद से आप लोग आसानी से अपने बी आर रैंक मैच के अंदर बॉट या नूब लॉबी ला सकते हो। तो बस यार आज में इतना ही था। अगर आपका ये वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा या वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा या पसंद आया होगा तो ऐसे में प्लीज मेरे भाई लोग आप लोग ये वीडियो को एक लाइक करना मत भूलेगा। और चैनल में नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी बेल आइकन है उसको भी आप लोग ऑल पर जरूर से सिलेक्ट कर लेना ताकि मैं इस तरह के और जब भी न्यू हेल्पफुल वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइस, सपोर्टिंग्स आपको स्ट्रीम में मिलेंगे। ओके बाय।